श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है कि रामायण काल में बहुत तरीके का तंत्र चलता था, नाथों का भी तंत्र था और आसुरी तंत्र चलता था। पिछले कुछ वीडियोस में कुछ अलग अलग राक्षसों के तंत्र मैंने आपको बताए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक नाथ के द्वारा रचित तंत्र है। इस मंत्र में कोई देवी या देवता स्तंभन के लिए शक्ति के रूप में प्रयोग ना हो करके कुंभकर्ण जो रावण के भाई थे उनका प्रयोग होता है। मंत्र मैं आपको बताऊंगा, विधान एक बार सुन लीजिए। अमावस्या की रात से एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक आपको 1 लाख जाप करना है इस मंत्र का। मंत्र जाप करते हुए दक्षिण की ओर मुख करेंगे, ठीक है, या साउथ की तरफ आप फेस कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए एक पात्र, उस पात्र में आप रखेंगे समी के कुछ पत्ते, एक सफ़ेद फूल, माया जाल का जो पत्ता होता है वो, और साथ में घी। इसको आप अपने उंगली से जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे वैसे वैसे मिलाएंगे, इसको ना कूटना है ना पीसना है। जब तक आप सहस्त्र जाप करेंगे तब तक इसका लेप बन के एक तिलक बन जाएगा ये। और 1 लाख जाप करना है आपको एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक। मंत्र क्या है इसका? मंत्र है ओम अहो कुंभकर्ण महाराक्षस निक्सा गर्भ संभूत पर सैन्य स्तंभन महाभय रण रुद्र आज्ञापय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1 लाख जाप करना है। 1 लाख जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और साथ में जो आप तिलक बना रहे हैं वो भी सिद्ध हो जाएगा। जिस भी शत्रु का स्तंभन करना है, देखो किसी का भी आप स्तंभन नहीं कर सकते इस मंत्र से। अगर वो आपका शत्रु नहीं है तो उसका स्तंभन नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अहितकारी है या जिसने आपके विरोध में कुछ कार्य किया है वैसे व्यक्ति पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तिलक को आपको लगाना होगा अपने ललाट पर और उस व्यक्ति के किसी सामान पर या फिर उसकी तस्वीर पर, और फिर इस मंत्र को 7 बार पढ़ के आपको उसकी तस्वीर पर फूंक देना है। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम अहो कुंभकर्ण महाराक्षस निक्सा गर्भ संभूत पर सैन्य स्तंभन महाभय रण रुद्र आज्ञापय स्वाहा। ये 7 बार फिर पढ़ के उस पर फूंक देंगे तो उस व्यक्ति का जो भी व्यवसाय है और पारिवारिक जीवन सब स्तंभित हो जाएगा। इस मंत्र में एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप स्तंभित करने की अगर कोशिश करते हैं जिसने आपको कोई हानि ना पहुंचाई हो या फिर जो दुष्ट ना हो, तो ये मंत्र लौटता है। रामायण काल के मंत्रों का जो तंत्र है उसका ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उस काल का जितना भी मंत्र तंत्र था वो रावण के द्वारा चाहे तो रचित था या फिर उनके गाइडेंस में ही वो तंत्र बनते थे। तो रावण को जाना जाता है कि वो गलत नहीं करते थे, इसीलिए अगर आप किसी आम व्यक्ति पर इसका प्रयोग करेंगे तो ये तंत्र आप पर वापस आ सकता है। तो सिर्फ दुश्मनों के स्तंभन के लिए इसको प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं 9431188585। जिनको डायरेक्ट बात करनी है कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 ऐसा सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9431188585, उस पर भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोगों पर कृपा बरसाए ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।